तो पति त्याग। मैं मेरे पुत्र को मेरे पति को वो छोड़ दूं? कह सी मोर दुख देख बड़ कस न करब हित लाग। तूने तो मेरे हित की बात करी है, मैं तेरे लिए जो तू कहेगी वो क्यों नहीं करूंगी। और कुबरी कार कबूल के ही कपट छुरी उर पाहन दे लिया। बचनों में बांध लिया है कपट की छुरी जैसी अपनी वाक्य संरचना हृदय में विराजित की। लखाई नरानी निकट दुख कैसे, लखाई कट दुख कैसे, चरई हरित तिन बलि पशु जैसे। आज उसकी बातों में के कई इतनी अंधी हो गई है कि अपने निकट आने वाले दुख को उस प्रकार से नहीं देखती जैसे हरी घास को चरने वाले पशु को ये ज्ञान ना हो कि तेरे पास में ही सर्प है, डंस कर देगा और तेरी मृत्यु हो जाएगी। सुनत बात मृदु अंत कठोरी, सुंदर बात करते हुए अंदर से केकई इतनी कठोर हो गई है। और मंथरा देति मनहु मधु माहुर घोरी, जैसे सेहत में जहर मिला करके पिलाती चली जा रही हूं और कहती आपको नहीं याद है तो मैं बताती हूं, आपने मुझे एक कहानी सुनाई थी, अब उसका प्रयोग करना है। कभी भी इस जीवन में आने के बाद स्वविवेक का इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आपने अपने विवेक का प्रयोग नहीं किया तो आपका विनाश हो जाएगा। उधारी हमारे पूर्वांचल में एक कहावत है तिवारी बाबा कि सिखई बुद्धि और उपराजी माया। हाँ ऐसे कुछ बा हम भुला जाते नहीं, दादा दिन हो गई बना। दूसरे के विचार पर चलने वाले का हमेशा विनाश होता है। कहते आपने मुझे एक कहानी सुनाई थी कि जब महाराज दशरथ युद्ध क्षेत्र में गए थे, युद्ध करते समय इनके रथ का पहिया निकल रहा था, शत्रु नजदीक आ गए थे तो रथ की धूरी में आपने अपनी उंगली फंसा दी।
और उस समय महाराज दशरथ ने ये कहा था कि केकई, जब भी तुम्हें जो चाहिएगा ऐसे दो वरदान हमसे मांग लेना। आज वो दिन आ गया, भगवान की कृपा बरस जाए और आप सारे लोग ऐसी मंथरा से दूर रह जाए तो अच्छा है। महाराज दशरथ संध्या का समय सहन करने के गए हैं। केकई कूप भवन, भवन का मतलब घर से है, कुएं में अंधकार होता है, जिस तरीके से कुएं के अंदर अंधकार होता है ऐसे घर के अंदर अंधकार भरे कमरे में लाके जा करके सो जाती है। और महाराज दशरथ बार बार उसे मनाने की चेष्टा करते हैं, पूछते हैं, केही हे तुरानी रिसानी परसत पाने पते स्पर्श करते हैं, रिसान पर सतशू करके मना रहे हैं, आप मुझे बता दो। लेकिन केकई हाथ को झटक देती है, हटो। नारी रूठ जाए जब प्यार से बात करो तो हटो, मोर दूंगी, काट डालूंगी, मैं मर जाऊंगी, पर तेरी बात ना सुनो। यह है कुबुद्धि, मानो शरीर देख रही है जैसे क्रोध में नागिन फुफकार मार रही हो, दोनों वचन मांगने की वासनाओं में जलती हुई केकई पति के प्रेम को नहीं समझ पा रही है। ये सब कुबुद्धि का खेल है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। I'm
सुमुख सुलोचन पिक बचन कारण मोह सुनाओ गज गामिनी निज को फुकर। महाराज दशरथ बार बार निवेदन करते हैं कि बताओ क्या संकोच है, और जो आपसे सच्चा प्रेम करता है, पति है, गुरु है, या जो बड़े संत हैं, वो आपके साथ बात कैसे करेंगे। दशरथ जी ने पहला प्रश्न किया कि अनहित तोर प्रिया के ही कीना, के ही दुई सिर के ही जम नहीं चीना, कहू कहीं रंग कहीं करहू नरेसु, कहू कहीं निपही निकार उदे। प्रेम का कद्र नहीं करना आता है तो ऐसा ही विनाश होता है। महाराज दशरथ बार बार मना रहे हैं, केकई ने नहीं सुना, अब कहते हैं अरे केकई किसने तेरा अनहित किया है, कितने तुझे नुकसान दिया है। अरे केकई अवध के क्षेत्र में या इस पृथ्वी मंडल पे किसको भगवान ने दो सर दे दिया, दो मृत्यु दे दिया, जिसने यम को नहीं पहचाना और तेरा नुकसान कर दिया, तेरा अनहित कर दिया। अरे तू बता ना मेरी प्रियतमा, बता ना मेरी प्रियतमा प्राण वल्लभ है, कहु कहीं रंग कहीं करो नरेश, बता किस भिखारी को मैं राज। हेलो, तू बता कहू कहीं रंग कहीं करूं नरेश, अरे तू बता किस भिखारी को मैं राजा बना दूं। और सुन, इतने भी नहीं विश्वास है तो कहू कहीं निपही निकासू देश। मेरी प्रियतमा तू बता, जिसने तुझे सताया हो कौन सा ऐसा राजा, उसे इस देश से भी मैं निकाल दूं। सकम तोरी अमरऊ मारी, सकम तोर अरि अमरऊ मारी, काह कीट बपुरे नर। हेलो, सकम तोरी अमरऊ मारी, तेरे लिए तो मैं दूसरे को मार भी सकता हूं, अमर देवता है अगर कोई तो उसे भी मार सकता। इतना अगाध प्रेम दशरथ का केकई पे है तिवारी बाबा, लेकिन कहा केकई तेरे लिए जो अमर देवता है मैं उन्हें भी मार सकता हूं। और ये कीड़े मकोड़े जैसे नर नारी क्या चीज है, पर एक बार तू बता तो दे मेरी प्रियतमा क्यों नाराज है। और प्रेम का कदर नहीं, कुबुद्धि आ गई, विनाश काले विपरीत बुद्धि। प्रिया प्राण सुत कहती इतने नहीं, जानस मोर स्वभाव बरोरु, तू जानती है ना मेरा स्वभाव कि मन तव आनन चंद चकोरवा। इतना सुंदर पति का प्रेम है लेकिन प्रेम का कद्र नहीं। अरे के कही तू तो जानती है मेरे स्वभाव को, मेरे मन में चकोर की तरह स्वाति नक्षत्र की बूंद की आस में जैसे उल्टा पड़ा रहता है, ऐसे मेरे हृदय में तो चंद्रमा की भांति तेरी ही छवि समाई हुई है, लेकिन नहीं। प्रिया प्राण सुत सर्वस मोरे, प्रिया प्राण सुत सर्वस मोरे, परिजन प्रजा सकल वसत। अरे रानी, अरे केकई, मेरा प्राण, मेरा तन, मेरे सारे पुत्र सर्वस तुम्हारे ही है। ये अवध नगर क्यों तुम्हारी बात, प्रिया प्राण सुत सर्वस मोर, प्रियतमा मेरा प्राण,
मेरा शरीर, मेरा तन, मेरे पुत्र, परिजन, नगर में रहने वाले लोग, प्रजा, सकल वसतुरे, ये सब तेरे ही तो है। और जो कछु कहूं कपट कर तो ही भामिन राम सपत सत मोहि। के कई अगर मैं आपसे इसमें कुछ भी कपट से बोलूं तो हजार बार मैं मेरे राम की सौगंध ले लेता। बिहसी माग मन भाव निभाता, कहे बिहसी माग मन भाव निभाता, भूषण सज ही मनोहर गाता। तुझे लगता है तो तेरे मन को भाने वाली बातें मांग ले, पर घरी को घरी समझ जिए देखो। बेग प्रिया परिहरिय कुवेश, दो पल के लिए विचार करो और प्रियतमा इस क्रोध को छोड़ दो, इस स्वरूप को त्याग दो। लेकिन विनाश काले विपरीत गुण, यह सुनि मन गन सपथ बड़ी, बेहसी उठी मति मंद, भूषण सजत बिलोक मृग मनहु किरातन फन। ये सुनने के बाद के कई उत्तेजित हो गई, क्रोधित हो गई और इस तरीके से प्रक्रिया करने लगी कि जैसे कोई भीलनी मृग को फंसाने के लिए एक फंदा तैयार कर रही है। और पुनि कह रहा सो सुहृद जिय जानी, प्रेम पुलक मृदु मंजुल। आपने जी में केकई को सुहृद जानकर राजा दशरथ ने प्रेम से पुलकित तो होकर के उसे बार बार गले लगाया, लेकिन उसने सुना कुछ भी नहीं। भूप मनोरथ सुभगमन सुख सुविहंग समाज, भिलनी जिमि छाड़न चाहते बचन भयंकर बाज। आज महाराज दशरथ की बात को सुनकर अपने उस शब्द का दुरुपयोग करती है के कई, मंथरा की बातों का प्रभाव, हंसता खेलता हुआ घर दूसरे के उसमें बर्बाद हो गया। महाराजा दशरथ ने कहा मांग ले तुझे जो चाहिए, और उल्टा ने वही मांगा जो नहीं मांगना चाहिए। मांगा है कि सुन हो प्राण प्रिय भावत जी का, दे हुए कबर भरत ही टीका। सुनो प्राण प्रिय भावत टीका, दे हुए कबर भरत ही टीका। दशरथ आपने कहा है तो मैं मांगती हूं, मेरे प्राण प्यारे सुनिए, मुझे प्यार से मांगने वाला पहला वर कि दे हुई एक बर भरत ही टीका। ओ मांगहु दूसज बर कर चोरी, मनोरथ बोरे नाना हो दो चोरी कहती है। अब मेरा दूसरा वरदान, दूसरा वरदान क्या मांगती है तिवारी जी? राजा
भरत को बना दो, दशरथ जी ने कहा अच्छी बात है लो बना दिया, मेरे लिए भरत और राम में कोई अंतर, पर दूसरा वरदान मांगा, दशरथ ने सहर्ष दे दिया, लेकिन जब दूसरा मांगा कि तापस बेस विशेष उदास, अरे 14 वर्ष राम वन वासी, सुनते हुए महाराज दशरथ के हृदय में वेदना बढ़ गई है, शोकातुर हो गए, ऐसे हो गए बिहवल जैसे चंद्रमा के उजाले में चकवा अंधरा जाता हो, उसे दिखाई नहीं पड़ता हो, महाराज मूर्छित तो हो गए हैं, गए उत्साह में नहीं कह आवा, गए उत्साह में नहीं कछ कही आवा, जन सचान बन झपटे, आज बहुत दर्द हो गया, पीड़ा आने लगी है, मूर्छित तो हो गए। आज महाराज दशरथ मूर्छित तो हो गए, अवध की जो रीति थी बचन जाहि पर प्राण ना, एक ही शब्द कहा है दशरथ ने कि प्रिया बचन कस कहस कुभाती, भीर प्रतीत पीत करे हाती, मोरे भरत राम दुई आंखों, महाराज दशरथ कहते हैं मोरे भरत राम दुई आंखें, सत्य कहूं करी शंकर साखी, अरे प्रियतमा मेरे लिए तो भरत और राम ये दोनों नेत्र हैं, शंकर को साक्षी रखकर कहता हूं
इन दोनों में तो इतना अपार प्रेम है, मुझे विश्वास है मेरे राम पर। बड़ा सुंदर उपमा दिया है गोस्वामी जी ने उन दोनों भाइयों के प्रेम।